दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिविल इंजीनियर के लिए बहुत सी प्रोफाइल्स हैं, तो उसमें से एक प्रोफाइल के बारे में डीप में डिस्कशन करने वाले हूं कि सिविल इंजीनियर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एनिमे योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों अभी आप लोग देख रहे होंगे, जॉब सर्च कर रहे होंगे, बार बार हर जगह पे जा रहे होंगे और काफी लोगों को तो 5-6 महीने का साइट का भी एक्सपीरियंस हो गया होगा, उसके बाद भी आप कहीं पर जा रहे हो तो उनको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इस पे थोड़ा सा सोचने की बात है। कल मैं एक लोग से बात कर रहा था, बहुत ही अच्छे एक इंजीनियर थे, उनसे बात कर रहा था, उनका खुद का काम है। तो मैंने उनसे जर्नी पूछने लगा, मैंने कहा सर, उन मेरे से कुछ डिजाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा सर आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने, मैंने बोला आपने क्या किया, मीन्स कौन कौन सी कंपनीज में काम किया है। तो उन्होंने बोला यार मैंने ना सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखे थे और उससे पहले मैंने 1-2 महीने में साइट पे गया था कुछ लोगों के साइट पे, तो मैंने बेसिक काम सीख रखा था कि कैसे कैसे उसमें फुटिंग वगैरह का देते हैं। तो उन्होंने बोला कि बाकी मुझे काम नहीं आता था, बट मैंने क्या किया, उनकी मैं स्टोरी सुनाऊंगा और वहां से एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो स्टोरी में बोर मत होइएगा क्योंकि स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। उन्होंने कहा यार मैंने सॉफ्टवेयर सीखा और कुछ बेसिक्स नॉलेज था मेरे पास सिविल का, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि उन्होंने एक बुक बताई, संदीप मिस्त्री सर की एक बुक है A to Z, आप सब ने उसे काफी हद तक पढ़े होंगे। उसमें लिखा हुआ है कि एक एक स्टेप कैसे एजुकेशन करते हैं, मीन्स कैसे काम को करवाया जाता है, A to Z में पूरा का पूरा डीप में डिस्कस हुआ है। उन्होंने बोला मैंने संदीप मंत्री सर की बुक पढ़ी थी, वो सॉफ्टवेयर सीखे थे और फिर मैं गया अपने गांव में, मीन्स जहां पर विलेज था। अभी देखो आज के टाइम में ना विलेज में हर कोई अपना घर अच्छा बनवाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक आदमी से कांटेक्ट किया क्योंकि वो घर बनवाने वाला था, मैंने उसको अच्छा सा 3D मॉडल दिया और प्लानिंग दिया। मैंने उनको बोला कि मैं आपका पूरा सुपरविजन करूंगा और मेरे मिस्त्री बनाएंगे, सारा कुछ मैं बनवाऊंगा और मैं इसमें 10% लूंगा, जो भी मटेरियल कॉस्ट आएगा उसके ऊपर, मीन्स जितना भी लगता जाएगा उसका 10% में लेता जाऊंगा। और उन्होंने पहली बार वो काम स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि मेरा जो काम था बहुत छोटे से घर का था, 5 लाख रुपए का काम था और फिर मैं अपने ही गांव में था तो मुझे कोई दूसरा खर्चा नहीं था, अपने घर पे ही रहता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, उनका पूरा का पूरा घर एग्जीक्यूट करवाया, उनको लगभग 40,000 रुपए सिर्फ बचे उसमें से। लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने इतना अच्छा घर उनका बनवा दिया कि उनके कई रिलेटिव्स आए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे काम दिया, तो उनके पास 3 घर एक साथ उस एक घर से काम आए। तो उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे उसी तरीके से करते गए, डिजाइनिंग का पैसा लेते थे, मीन 7-8 हज़ार जो भी होता था, उसके बाद जो भी एजुकेशन होता था उस पर परसेंटेज ले लेते थे। उन्होंने बोला मैं इस तरीके से अपना एक्सप्लोर करता गया, मेरे पास 3 साइटें और 3 से 10 साइटें आने लगी और धीरे धीरे उनको 1 साल लगा पूरा एक्सप्लोर करने में। 1 साल के बाद उन्होंने क्या किया, और 1 साल के बाद उन्होंने बोला कि अब आपको परसेंटेज देने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा काम करवाऊंगा, आप सीधे मुझे चेक करते देते जाओ, मीन्स मेरा मटेरियल होगा, मेरे लेबर होंगे और सिर्फ प्रॉपर्टी आपकी होगी। अब उससे फायदा क्या हुआ उनको, उससे फायदा ये हुआ कि अब वो मटेरियल में भी इनकम कर रहे हैं पूरा का पूरा, मीन सीमेंट सैंड और स्टील सब में अपनी इनकम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से उनका भी क्योंकि अभी थोक में ले रहे हैं तो उनसे उनको परसेंटेज मिलने लगा। उसके साथ ही साथ लेबर भी अब उनको सस्ते पड़ने लगे क्योंकि उन्होंने परमानेंट लेबर ले लिए हैं, साइट इंजीनियर भी उनको सस्ता पड़ गया क्योंकि उन्होंने परमानेंट ले लिया है, अब सिर्फ वो डिजाइन करवाते हैं और सिर्फ साइट पे विजिट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको लगभग अभी 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया है कि अभी उनके पास इस समय लगभग 15 से 20 साइटें चल रही हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास कई लड़के हैं, वो लोग देखते हैं तो उनको भी एग्जैक्ट पता नहीं था अभी कितने साइटें चल रही हैं। तो अब देखो हमने क्या सीखा उनसे, मैंने सीखा कि यार कितना अच्छा है, हम लोगों को भी एक घर तो मिलता है, बट हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें जॉब करनी है, जॉब करना बुरा नहीं है मे भी ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी कुछ लोगों की बेसिक कंडीशन ठीक नहीं होती, उनकी भी कंडीशन ठीक नहीं थी। उन्होंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अचानक से ले लूं, उन्होंने कहा जिसका पैसा उसी को मैं सजेस्ट करता जाऊंगा, ऐसे ऐसे बनवाते जाओ, उसी से इनकम लेते गए और लेते गए। आज उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है, मैं आपको पूरा उनका कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप बोलोगे कि सर किसी को प्रमोट करो, प्रमोट का कुछ भी नहीं है, हम उनके क्या प्रमोट करेंगे, वो बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन हमने उनसे बस सीखा और मैंने आपको इस स्टोरी को शेयर करना चाहा कि आप समझिए कि अगर आपको जॉब कर रहे हो या जॉब में आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, आपको जॉब मिल ही नहीं रहा है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार बोला है कि आप एक अच्छा सा बढ़िया सा एक्सटीरियर हाउस बनाओ,
जितना अच्छा अपना दे सकते हो बेस्ट उतना बेस्ट दे दो। 15-20 दिन प्रैक्टिस करने के बाद उसको सोशल मीडिया पर वायरल करना स्टार्ट कर दो। अपने दोस्तों से बोलो भाई इस घर को शेयर करो, और देखना आपके ही रिलेटिव में से कोई ना कोई वहां पर नीचे कमेंट जरूर करेगा। और अब अपनी जी जान लगा दो उनको कन्विंस करने में। और एक बार अगर किसी एक क्लाइंट को आपने कन्विंस कर लिया, आपके रिलेटिव में ही देखना बहुत से लोग होंगे, कुछ लोगों को आप फ्री में एडवाइस दे सकते हो। जैसे किसी का ज्यादा पैसा है, यार आपका घर ऐसा है रुको मैं बना के देता हूँ आपको, अच्छा सा घर बना के दूंगा, आप बोलो मैं बहुत बहुत कम बजट में आपको बना दूंगा। अब ये कन्विंसिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। अब कन्विंस करके मैं क्लाइंट आपको नहीं दूंगा, अगर कन्विंस हो जाएंगे तो मैं खुद ही बना दूंगा उसको। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर हम उनको बोलेंगे कि देखो यार घर बहुत जरूरी होता है, और कोई भी आता है तो उन्होंने तो मुझे बड़े अच्छे ट्रिक भी बताई। उन्होंने बोला कि जब मुझे काम नहीं मिला था तो मैंने उस आदमी को बोला कि अगर तुम इस घर को बनवा लोगे तो तुम्हारी अच्छे जगह पे शादी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी लड़की वाला आएगा वो तो अपनी लड़की को तुमको देगा क्योंकि तुम्हारा घर अच्छा दिखेगा। इस तरीके से उन्होंने कॉमेडी में जोक किया, सामने वाले को पसंद आया, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर ली। बहुत अच्छा काम उनका चल रहा है। तो हमने भी सीखा कि यार ये काम सब लोग कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहा। आप कैसे करेंगे ये आप सोचिए, आपके अगल बगल चेक करिए, अपने फादर या मदर या किसी से भी पूछिए कि यार मम्मी या पापा ये कोई अगर कहीं पे भी कोई वैकेंसीज है या कोई भी घर बनवाना चाहता है प्लीज मुझे बताओ। बहुत से रिलेटिव में होंगे ये तो पक्का है, सिर्फ आपको वो जानते नहीं होंगे, आप उनके जानते नहीं होंगे। तो इसका माध्यम सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को थोड़ा सा हेल्प लीजिए। और अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप अच्छा सा एक मॉडल बना के मुझे, मैंने कई बार बोला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मेरी ईमेल आईडी मिल रहती है उसमें आप भेज दीजिए, मैं आपका मॉडल सेंड कर दूंगा, उसमें ईमेल आईडी वगैरह आपका लिखा रहेगा। तो जिसको भी पसंद आएगा, ऐसा कोई एक दो तो होंगे ही होंगे यार जो आपके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, मेरे पास दो तीन रहते ही रहते हैं, आप जाइए। और इस तरीके से एक छोटी सी स्टोरी से आपने सीख लिया होगा, आपके माइंड बन चुका होगा कि आपकी भी एक छोटी सी कंपनी हो सकती है। और छोटी कंपनी को मेहनत कर करके, क्योंकि अपना काम रहता है तो कैसे करते हो आपको पता है, जॉब और अपने काम में बहुत डिफरेंस होता है। अपने काम में इंसान रात को 2 बजे तक भी काम करता रहता है, बहुत अच्छे से पता होगा आपको जो भी कर रहे होंगे, तो एक अलग एनर्जी आ जाती है, आप फटाफट करते हो। देखो मैं अभी चैनल पे आपके वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, कुछ खास व्यूज नहीं आते, सिर्फ 200-250 व्यूज आते हैं। कुछ जो बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग शेयर भी कर देते हैं, बट वो लोग शेयर नहीं करते, फिर भी मैं लगा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक छोटी सी लाइन आपको बोला जाऊंगा, खुद अंत्य पानी खुद अंत्य विद्या, मीन्स जितना उसको आप पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा विद्या मिलेगी, यानी नॉलेज मिलेगा। और जितना खोदोगे मीन्स जितना खुदाई करोगे उतना ज्यादा वाटर मिलेगा। तो ये तो भरोसा है कि वाटर हो सकता है 800 मीटर पे मिले या हो सकता है 600 मीटर पे मिले, देखते हैं कहाँ मिलता है, बट अपना प्रयास जारी रखेंगे। तो इस छोटी सी स्टोरी को अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी दूसरों के साथ भी शेयर करना, और अगर और अच्छी लगी हो तो इसको यार इतना फैलाना कि हम जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर पूरा कर ले। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इतना मेहनत करते हैं, तो अगर व्यूज थोड़े से अच्छे क्वांटिटी में आते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, अप्रिसिएट होता है मन। और फिर मैं उसके लिए सेपरेट थोड़ी सी स्टडी करके आपके लिए और अच्छा कंटेंट देता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।